जुनून वह पावर हाउस है जो आपके लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते को रोशन कर देता है। आज मैं आपके लिए 13 अगस्त 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंगापुर देश। फ्रेंड्स, हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया गया है और इस इंडेक्स का नाम है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, और इस इंडेक्स में जो सिंगापुर कंट्री है ये टॉप पे रही है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। और जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि कभी भी किसी भी इंडेक्स की बात होती है तो उस इंडेक्स में टॉप 3 के नाम, उस इंडेक्स को जारी किसने किया है ये आपको पता होना चाहिए, और उस इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो युवा विकास के मामलों में जो भारत है ये विश्व में 122वें स्थान पर है, और भारत वर्ष 2010 से 2018 के बीच युवा विकास के क्षेत्र में सबसे तेजी से उभरे 5 देशों में शामिल है। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता देती हूँ कि जो ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स है ये किस आधार पर जारी किया जाता है, तो युवा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, समानता, समावेश, शांति और सुरक्षा, राजनीतिक और नागरिक भागीदारी के विकास के आधार पर यह इंडेक्स जारी किया जाता है। और आइए अब इस इंडेक्स में टॉप 3 देशों के नाम जान लेते हैं। तो ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में सिंगापुर टॉप पे है, सेकंड पर है स्लोवेनिया कंट्री और थर्ड पर है नॉर्वे। और ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है 122वां। और ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 को जारी किया है लंदन में स्थित कॉमनवेल्थ सचिवालय ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है इंडेक्स, तो अब मैं आपको टॉप 5 इंडेक्स यानी कि सूचकांक करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? 10वें, और टॉप पे कौन सा देश है? अमेरिका। नेक्स्ट है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? 20वें, और टॉप पे कंट्री कौन सी है? अमेरिका। हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की Q3 रैंकिंग में शीर्ष देश कौन सा है? जापान, और भारत का स्थान क्या है? 90th। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? आइसलैंड, और भारत का स्थान क्या है? 135। नेक्स्ट है नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षकता सूचकांक 2021 में टॉप पे कौन सी कंट्री है? अमेरिका, और भारत कौन से स्थान पर है? 3rd। अगला क्वेश्चन करते हैं, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। तो राजस्थान राज्य की सरकार ने हाल ही में एक नई योजना शुरू की है, और इस योजना का नाम है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। तो आइए इस योजना का मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। तो राजस्थान राज्य की सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है। फ्रेंड्स हमारे जो क्वेश्चन में बात हुई है वो ही है योजना की, यानी कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की, जिसको राजस्थान ने शुरू किया है। तो अब मैं आपको राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा 2021 में शुरू की गई टॉप 5 योजनाएं बता देती हूँ। जनजाति भागीदारी योजना को शुरू किया है राजस्थान ने। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना को शुरू किया है राजस्थान ने। घर घर औषधि योजना को शुरू किया है राजस्थान ने। और एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना को शुरू किया है राजस्थान ने। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को शुरू किया है राजस्थान ने। क्वेश्चन हमारा, सब सोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम है निर्भय का सफल परीक्षण किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, DRDO ने। तो DRDO ने सब सोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम है निर्भय का सफल परीक्षण किया है। फ्रेंड्स रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने ओडिशा तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है। और जो निर्भय मिसाइल है ये भारत की पहली स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल है। ऑफेंस यहाँ पे बात है DRDO की। DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में कहा जाता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और जो DRDO का मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। DRDO के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए
कि सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया है? ये किया है डीआरडीओ ने। देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल एएसएमआई को किसने बनाया है? डीआरडीओ ने। और जो आकाश एनजी मिसाइल है, इस मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया है वो किया है डीआरडीओ ने। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने। देश के पहले एयरड्रॉप कंटेनर जिसका नाम है सहायक एनजी का सफल परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने। सीआरपीएफ के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस को किसने बनाया है? डीआरडीओ ने। और संत मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण किसने किया है? ये भी किया है डीआरडीओ ने। और कोविड-19 के उपचार हेतु 2DG नामक दवा को किसने बनाया है? डीआरडीओ ने। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एक्सरे में कोविड-19 बीमारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को किसने विकसित किया है? आंसर है डीआरडीओ ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, हमारा एक चैनल है जीके और इंग्लिश मीडियम करंट अफेयर्स का, जिसका नाम है रवि एंड अदिति क्लासेस। आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा, 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राजकुमार रंजन सिंह ने। तो राजकुमार रंजन सिंह ने 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। तो विदेश राज्य मंत्री हैं डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह। इन्होंने 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। और राजकुमार रंजन सिंह ने हिंद प्रशांत, आतंकवाद के खतरे, समुद्री क्षेत्र में अनक्लॉज के महत्व और साइबर सुरक्षा पर भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। और ब्रुनोई की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है आसियान की। अब मैं आपको आसियान के बारे में बता देती हूँ। आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और जो आसियान है ये दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। फ्रेंड्स, आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। आसियान का मुख्यालय है जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया देश में है। और जो आसियान के प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं वो हैं ली सिन लुंग। और जो आसियान के महासचिव हैं वो हैं लिम जॉक होई। और फ्रेंड्स, आपको बता देती हूँ कि आसियान के जो 10 सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं। एक है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का, आसियान का मोटो है एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय। काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 अगस्त को। तो 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो दुनिया भर में युवा मुद्दों की ओर सरकारों और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और यह दिन समाज की बेहतरी के लिए युवाओं के द्वारा किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि युवाओं को शामिल करने के तरीकों को बढ़ावा देना, सकारात्मक योगदान के माध्यम से उन्हें अपने समुदायों में अधिक सक्रिय रूप से शामिल करना है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लांटरी हेल्थ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ऑफेंस, अब मैं आपको पिछले करंट अफेयर्स का रिवीजन, यानी कि अगस्त महीने के टॉप 5 डेज बता देती हूँ। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? 1 अगस्त को। हृदय प्रत्यारोपण दिवस कब मनाया गया है? 3 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? 7 अगस्त को। विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 9 अगस्त को। और विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? 10 अगस्त को। फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चंस के बाद जो मैं आपको रिवीजन करवाने वाली हूँ, रिवीजन वाला पार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है स्टैटिक जीके सेट, और स्टैटिक जीके सेट के बाद मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका टेस्ट रखा है। तो टेस्ट भी आप जरूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। तो शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला जो देश का पहला राज्य बना है वो बना है छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ एक शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को
मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है और राज्य सरकार ने 4,127 हेक्टेयर से अधिक वनों के धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारों को मान्यता दी है। ऑप्शन हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है भारत का पहला। तो अब मैं आपको भारत का पहला इससे रिलेटेड टॉप 5 करंट अफेयर्स बता देती हूँ। भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है जिसमें अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग होगी? आंसर है गुजरात उच्च न्यायालय। देश के पहले ग्रीन एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुरुग्राम। भारत की पहली पोड टैक्सी कहाँ चलेगी? नोएडा में। कौन सी कंपनी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को बनाएगी? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा। और देश का पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र किस संस्था ने लॉन्च किया है? IIT कानपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 130वीं डूरंट कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी कोलकाता में। तो 130वीं डूरंट कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। फ्रेंड्स, डूरंट कप का आयोजन कोलकाता में किया जाएगा और सेना की 4 टीमें सहित देश भर की 16 टीमें भाग लेंगी इस डूरंट कप में। फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो डूरंट कप है ये विश्व का तीसरा और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और यह प्रतियोगिता पहली बार 1888 में हिमाचल प्रदेश के डाकशाही में आयोजित की गई थी और कोलकाता जो है ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि डूरंट कप का 2021 में 130वां संस्करण है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी कमलेश कुमार पंत। तो जो कमलेश कुमार पंत हैं ये राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं और राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1997 में। मुख्यालय है न्यू दिल्ली में और अध्यक्ष बने हैं कमलेश कुमार पंत। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष बता देती हूँ। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? सुखबीर सिंह संधू। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? PD वाघेला। भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? के सिवन। और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। अगला क्वेश्चन हमारा, किन 4 देशों की नौसेना के बीच मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2021 का आयोजन होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए भारत अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो भारत अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2021 का आयोजन होगा। तो भारत अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित क्वाड देशों की नौसेना जो है ये इंडो पैसिफिक में गुवाम के तट पर वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेंगी। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको मालाबार नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य भी बता देती हूँ। तो इस अभ्यास की मालाबार श्रृंखला का उद्देश्य है 4 क्वाड देशों की नौसैनिक शक्तियों की क्रियाशीलता को बढ़ावा देना है। तो हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है संयुक्त सैन्य अभ्यास। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास करंट अफेयर्स बता देती हूँ। इन EU नेफॉर संयुक्त सैन्य अभ्यास ये आयोजित हुआ था भारत और यूरोपीय संघ के बीच। नेक्स्ट है सी ब्रीज ड्रिल्स नामक युद्ध अभ्यास यूक्रेन और अमेरिका के बीच हुआ है। त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 जो है ये भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच हुआ है। इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच हुआ है और जायद तलवार 2021 अभ्यास हुआ है भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इसके बाद है रिविजन पार्ट। द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन अचीवमेंट नेग्लेक्ट बियास एंड द वे फॉर्म्ड नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए पवन कुमार वर्मा ने। तो पवन कुमार वर्मा ने द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन अचीवमेंट नेग्लेक्ट बियास एंड द वे फॉर्म्ड बुक को लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको सभी फर्स्ट क्वेश्चन है रिविजन का, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आंसर है सिंगापुर। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? राजस्थान। सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? राजकुमार रंजन सिंह ने। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है?
12 अगस्त को शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का। 130वें डुरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है कोलकाता में। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कमलेश कुमार पंत। किन चार देशों की नौसेना के बीच मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2021 का आयोजन होगा? आंसर है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन अचीवमेंट निग्लेक्ट बियास एंड द वे फॉर्म्ड नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है पवन कुमार वर्मा ने। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है स्टैटिक जीके सेट। तो अब मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 111 करवा देती हूँ और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए वो मैं आपके लिए इस सेट में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? आंसर है क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1984 के भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी का साइंटिफिक नाम क्या है? आंसर है ऑस्मम सेक्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में भारत में चाय उगाना किसने संभव बनाया था? आंसर है रॉबर्ट फॉर्चून ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की थी? आंसर है लॉर्ड वेले जली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है? आंसर है 371B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था? आंसर है सादत अली खान। दिल्ली में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की थी? आंसर है 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? आंसर है मोहम्मद कोरी का। लास्ट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है महाराष्ट्र। तो हमारे